हेलो, यह है वीडियो रुक्मणी लक्ष्मीपति पर है। ये संत सेनानी थी और साथ ही समाज सुधारक थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये इनका समय है 1892 से 1951 तक, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही। ये जैसे मैंने कहा संत सेनानी थी और आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थी। सी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचार्य एंड सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचार्य और सरोजनी नायडू से प्रभावित थी, और इन्होंने जो है सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। जैसे नमक सत्याग्रह हुआ उस समय, तो उसमें भी भाग लिया। पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन वेदारण्य ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने की थी, नमक कानून तोड़कर दांडी में, जो उन्होंने साबरमती आश्रम से जो अपनी यात्रा शुरू की थी मार्च में, और अप्रैल में पहुंचे थे दांडी, और वहाँ नमक कानून तोड़कर सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत की थी। तो ये जो सविनय अवज्ञा था, देश के बहुत सारे भागों में फैला। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कैसे कह सकते हैं कि इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, उन्होंने वो कर रहे थे। मालाबार में केक कलप्पन कर रहे थे, और जो तमिलनाडु में जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे सी राजगोपालाचार्य, और उन्होंने एक यात्रा आरंभ की थी, सत्याग्रह यात्रा, जो वेदारण्य तक की थी। बेसिकली तृष्णापल्ली से तंजौर में, जिसको तंजावूर कहते हैं इस वक्त, वहाँ पर जो है वेदारण्य जगह थी, वहाँ पर उन्होंने वहाँ तक की यात्रा की थी। उस यात्रा में ये उनके साथ शामिल थी, रुक्मणी लक्ष्मीपति। अच्छा, सी बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रिजनर इन साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। साल्ट सत्याग्रह जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह, उसमें ये गिरफ्तार हुई, और पहली जो है गिरफ्तार महिला के रूप, कैदी के रूप में इनका नाम दर्ज है, माना जाता है इनको। वाज इलेक्टेड टू द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो है बाद में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनका इनकी चुनी गई, और बाद इसके पश्चात 1934 में, 1937 में सी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के प्रथम महिला जो में इनका जो है इलेक्शन हुआ, बिकम मेंबर बनी उसकी। 1926 में ये पेरिस भी गई अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए, किसमें, इंटरनेशनल वीमेन सफरेज अलायंस कांग्रेस एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ये जो है शामिल होने के लिए 1926 में पेरिस में गई। किसमें गई, अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार अलायंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। बेसिकली ये जो संस्था थी, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये महिलाओं के जो अधिकार थे, वीमेंस राइट और जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता के अधिकारों के लिए थी, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओके,